है 27 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है प्रोजेक्ट वाणी। प्रोजेक्ट वाणी के तहत जो भारत की कई सारी लैंग्वेजेस हैं उनको मैप किया जाएगा। इसमें 3 एजेंसीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आर्ट पार्क, आर्ट पार्क मतलब है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और गूगल। ठीक है, उसके बाद द एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक, इसका टास्क फोर्स बनाया गया था जिसने रिकमेंडेशन दी है, कई सारी रिकमेंडेशन दी हैं इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें से एक है AVGC एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन। फिर है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीट कहा गया। DNTs क्या होती हैं? डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये वो ट्राइब्स हैं जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में नोटिफाइड थी। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था ब्रिटिशर ने 1871 में। इसमें इन्होंने कई ट्राइब्स को नोटिफाई किया था और कहा था कि जैसे कहीं भी कोई क्राइम होता है तो पहले ये देखा जाएगा कि इनके आसपास जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ पर कौन से ट्राइब्स रहती हैं, पहले उनको अरेस्ट करते थे ये लोग। ठीक है, तो बाद में जब आज़ादी मिली इन ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया गया और फिर इनको मिनिस्ट्री में लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो सीड स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया। इसमें कई सारे कॉम्पोनेंट हैं जैसे फ्री कोचिंग का, कोचिंग किसी जॉब के लिए या किसी एग्जाम मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड के इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउसिंग। ठीक है, फिर है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जरिए जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनकी एक डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी जहाँ भी वो काम करते हैं। पहले ये आया था कि जहाँ पर 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं उस साइट पर ये मैंडेटरी था कि ये डिजिटल अटेंडेंस ली जाए, लेकिन अब कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से ये हर वर्क साइट पर लागू होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी जियो टैग फोटो और उस पर मतलब रियल टाइम अटेंडेंस होती है, दो बार लेते हैं उस साइट पर। एक मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट आना था बरसू गांव रत्नागिरी में, पर वहां पर इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू हो गया क्योंकि वहां पर एक एंशियंट रॉक कार्विंग साइट है जहां पर क्या कहते हैं जियोलिप्स या पेट्रोलिप्स हैं। ठीक है, ये जो साइट है ये बरसू साइट कोंकण रीजन पड़ता है और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें भी है। इनको जो ये आर्ट है इनको कातल शिल्प कहा जाता है और वहाँ करीब ऐसे 1500 पीस हैं इस आर्ट के और वहाँ टोटल 70 साइट हैं। ठीक है, और ये काफ़ी पहले से ये जो सेटलमेंट वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट देखे गए हैं करीब मीजोलिथिक इरा से हैं वहाँ पर। ठीक है, जो ये जियोलिफ या पेट्रोलिफ होते हैं ये प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट होते हैं। ठीक है, और इनको जो मतलब लेटराइट प्लेटूज के सर्फेस होते हैं उस पर बनाया जाता है। इसमें जो मतलब कहते हैं उस रॉक सरफेस को इनसाइज करके या खोद करके वो हटा दिया जाता है, रॉक कार्विंग ऐसे वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी आर्ट फॉर्म हैं जैसे मतलब कप वगैरह हैं, रिंग मार्क्स हैं, रॉक पेंटिंग हैं। इंडिया में ये जो कोंकण रीजन है यहाँ पे ये कई सारे जियोलिप्स पाए जाते हैं। ये कोंकण रीजन जो है महाराष्ट्र और गोवा के तट से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोरस लेटराइट रॉक पाए जाते हैं जो कि काफ़ी मतलब उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, थोड़े मुलायम होते हैं, उन पर ये ड्राइंग करना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद उद्यमी भारत के तहत 3 नए इनिशिएटिव लिए गए MSME के लिए। ठीक है, इसमें हैं तीनों रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम जिसको कहा जाता है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम MSME सपोर्ट और न्यू फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए गए जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया था, स्फूर्ति जिसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर MSME ये लॉन्च किया गया था, और प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत बना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं, उन 6 मेंबर में से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मैंडेट ज़्यादातर जो बच्चों के राइट्स हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, फिर है कोल्ड वेव। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जब किसी प्लेन पर प्लेन स्टेशन पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री या उससे कम हो जाए तो वहाँ पर कोल्ड वेव माना जाता है, या फिर अगर वहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री या 6.4 डिग्री कम हो जाए वो टेम्परेचर तो उसको कोल्ड वेव माना जाता है। और भी ये होता है कि मतलब अगर यह 4 डिग्री तक पहुँच जाए या 4 से नीचे पहुँच जाए तो भी वो कोल्ड वेव माना जाता है। ठीक है, हिली रीजन में
जब टेम्परेचर 0 या 0 से कम होता है तब उसको कोल्ड वेव मानते हैं, या फिर जो उनका जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होती है उनके टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है, तो उसको कोल्ड वेव मानते हैं। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वो डिस्टिंक्टिंग साइंस या इंडिकेटर्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अलग दिखाने के लिए, ठीक है। ये उनकी मतलब कहते हैं कि जैसे वो एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये उनकी एक्सक्लूसिविटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब कोई इसको उनकी बिना इजाज़त के इस्तेमाल कर लेता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जैसे कोई ट्रेडमार्क या कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं उसको, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क है, उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। फिर है धोन बोर्ड्स, धोन बोर्ड्स कोंडा रेड्डी और कोया ट्राइब्स द्वारा बनाया जाता है। ये नॉर्मली गोदावरी नदी में इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए, ठीक है। एक खास तरह के पेड़ होते हैं बोरिंगा ट्री, बोरिंगा ट्री का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, और ये 10 से 15 फीट तक लंबी होती है जिसमें कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, और नदी में ही इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो कोंडा रेड्डी और कोया ट्राइब्स हैं ये पालीकोंडा हिल्स के आसपास रहती हैं, और इनका मुख्य व्यवसाय कैसे हैं फिशिंग ही है, ठीक है। ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं। फिर है सेप्सिस, सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ये तब होता है जब किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर देता है और वो हमारे ही जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनको इंजर कर देता है, ठीक है, इसमें डेथ भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, इसका मतलब होता है कि जो ट्यूमर है उनको इंड्यूस करते हैं, ये उनके सेल्स को मरने के लिए इंड्यूस करते हैं, ठीक है। TNF जो है ये साइटोकाइन एक तरह का है जो प्रोड्यूस होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है किसी पैथोजन के खिलाफ, ठीक है। जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके कारण से ये TNF प्रोड्यूस होता है। इसका उद्देश्य होता है कि उस पैथोजन को ख़त्म करना या कोई भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करना, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये साइटोकिन स्टॉर्म पैदा करता है जो कि हमारे ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है, ठीक है। तो ये था आज हमारा करंट अफेयर, सुनने के लिए धन्यवाद।